दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहले खबर, बिहार के सभी जिलों में बनेगा अनुसंधान निगरानी सेल। जी हां, राज्य में आपराधिक कांडों के अनुसंधान की निगरानी के लिए जिलों में सेल का गठन किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय में निगरानी सेल के गठन की मंजूरी के बाद अब सभी जिलों में इसी तर्ज पर सेल का गठन का काम शुरू कर दिया गया है। जिला स्तरीय निगरानी सेल की कमान SSP रैंक के अफसर के साथ में होगी। यह सेल हत्या, अपहरण, रंगदारी व संपत्ति मूलक अपराध के संसाधन की समय समय पर समीक्षा करेगा और कमियों को दूर करने का काम करेगा। अगली बड़ी खबर, राज्य में वैक्सीन के अभाव से लग सकता है महाअभियान को झटका। जी हां, राज्य में 21 जून से टीकाकरण का महाअभियान शुरू हुआ है। 6 माह में 6 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, मगर टीके की कमी इस महाअभियान की शुरुआत दौर में ही बाधा बन सकती है। बुधवार को बिहार को केंद्र सरकार सिर्फ 2,17,000 टीके की डोज मिली है। अगर गुरुवार को और टीका नहीं मिला तो राज्य में टीकाकरण में आए तेजी का दौर थम सकता है। राज्य में टीकाकरण का आंकड़ा बुधवार को 1.5 करोड़ की संख्या को पार कर गया है। बीते 7 दिनों में बिहार में टीकाकरण अभियान ने खासी रफ्तार पकड़ी है। 16 से 22 जून के बीच 25,98,962 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। अगली बड़ी खबर, राज्य में बीएड सीएटी 11 जुलाई को होगा। जी हां, बिहार के निजी और सरकारी बीएड कॉलेजों में सत्र 2021 में दाखिले के लिए बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 11 जुलाई को होगी। नोडल एजेंसी LN मिथिला विश्वविद्यालय अब परीक्षा केंद्र की सूची सुनिश्चित करने के अंतिम चरण में है। 11 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि 5-6 दिन में एडमिट कार्ड ऑनलाइन मिलने लगेंगे। आपको बता दें कि राज्य में बीएड की लगभग 34,000 सीटें हैं। कुल 1,36,000 आवेदकों में 75,524 पुरुष और 61,238 महिलाएं और 9 ट्रांसजेंडर है। बड़ी खबर, पूरे देश में डेल्टा प्लस पर केंद्र सरकार सतर्क। जी हां, देश में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट के बदले स्वरूप डेल्टा प्लस ने चिंता बढ़ा दी है। 5 राज्यों में बुधवार तक इससे संक्रमण के 43 मामले आने के बाद केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। इनमें 40 केस महाराष्ट्र, केरल व MP में मिले हैं। केंद्र ने इन 3 राज्यों को पत्र लिख विशेष सतर्कता बरतने और जन स्वास्थ्य संबंधी उचित कदम उठाने की सलाह दी है। इसी बीच कर्नाटक में 2 व तमिलनाडु में 1 मामला सामने आया है। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी ने चिराग को दिया बड़ा ऑफर, 2010 की याद दिलाई। LJP में टूट के लिए नीतीश को ठहराया जिम्मेदार। लोक जनशक्ति पार्टी में चल रहे सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बुधवार को पटना पहुंचे। राजधानी पहुंचते ही उन्होंने चिराग पासवान को अपने साथ आने का ऑफर देते हुए याद दिलाया कि कैसे लालू प्रसाद ने 2010 में रामविलास पासवान को राज्यसभा के लिए नामांकित होने में मदद की थी, जब लोजपा के पास कोई सांसद या विधायक नहीं था। जदयू का नाम लिए बिना तेजस्वी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने लोजपा में मचे घमासान के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो षड्यंत्र रचने में माहिर होते हैं। इसके बाद ये लोग राज्य में राजनीतिक घटनाओं के बारे में अनभिज्ञता भी जताते हैं। तेजस्वी नीतीश के उस बयान का जिक्र कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें लोजपा में जारी घमासान की जानकारी नहीं है। अगली बड़ी खबर, बिहार में 26 जून से 60,000 छात्र छात्राओं को मिलेगा सर्टिफिकेट। जी हां, मैट्रिक परीक्षा 2020 के 60,000 छात्र छात्राओं का मूल प्रमाण पत्र 26 जून से मिलेगा। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा 2020 के साथ ही माध्यमिक कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का मूल प्रमाण पत्र भी जिले में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन दोनों ही सालों के छात्र छात्राओं का मूल प्रमाण पत्र संबंधित स्कूल के हेडमास्टर जिला शिक्षा कार्यालय से ले सकेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा नियंत्रक ने इस संबंध में DEO को निर्देश जारी कर दिया है। DEO अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि संबंधित स्कूल के हेडमास्टर को रिजल्ट स्कूल के कागजात से मिलान करने के बाद ही मिलेगा।
अगली बड़ी खबर, बिहार में पहले खुलेंगे कॉलेज फिर होगा स्कूल पर फैसला। स्कूल रीओपन पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कही ये बात। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि शिक्षण संस्थाओं को खोलने के अनुकूल परिस्थितियां आने पर सबसे पहले कॉलेज और समकक्ष उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि टीकाकरण और दूसरी परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने साफ किया कि 4 जुलाई के बाद उच्च शिक्षण संस्थान खोलने पर विचार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने साफ किया कि स्कूल को खोलने का अभी कोई विचार नहीं है। उच्च शिक्षण संस्थानों के खुलने के बाद परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ही सरकार स्कूल खोलेगी। फिलहाल कोरोना की संभावित लहर और वर्तमान स्थितियों पर शिक्षा विभाग की पूरी नजर है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि विभाग बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों से कोई समझौता नहीं करेगा। पर पटना अरेराज सड़क को मिला NH का दर्जा। 125 किलोमीटर लंबी है बुद्धा सर्किट, 5300 करोड़ खर्च आएगा सड़क निर्माण पर। जी हां, पटना से साहिबगंज होते हुए केसरिया के रास्ते अरेराज तक जाने वाली सड़क के अलाइनमेंट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने बुद्धा सर्किट के अलाइनमेंट को नेशनल हाईवे का दर्जा दे दिया है। इसकी अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। छपरा के मेकर होकर बनने वाली दूसरी सड़क है और इसका बुद्धा सर्किट के अलाइनमेंट से कोई वास्ता नहीं है। मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व वीके सिंह से मिलने के बाद पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने यह साफ किया है। बैठक में पथ निर्माण के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीना भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि इस सड़क के केसरिया व वैशाली के बदले छपरा से बनाने की बात बेमानी है। केंद्रीय मंत्री ने साफ कहा कि बुद्धा सर्किट के अलाइनमेंट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 125 किलोमीटर लंबा इस सड़क के निर्माण पर 5300 करोड़ खर्च आएगा। निर्माण कार्य 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। खबर, बिजली बिल का भुगतान 30 जून तक नहीं करने पर कटेगा कनेक्शन, आने लगा है SMS। जी हां, विद्युत उपभोक्ताओं के पास बिजली बिल जमा करने के लिए SMS आने लगा है। 30 जून तक बकाया बिल जमा करने का आग्रह किया जा रहा है। अप्रैल और मई में पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान ने सिर्फ 78 करोड़ रुपए राजस्व वसूली की है। जून के 21 दिनों में 80 करोड़ रुपए राजस्व वसूली हुई है। ऐसे में विभाग जल्द बिल जमा करने के लिए कर रहा है। बिजली कंपनी 1 जुलाई से बकायेदारों का कनेक्शन काटने जा रही है। इसकी तैयारी करने का निर्देश दे दिया गया है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के महाप्रबंधक राजस्व अरविंद कुमार ने बताया कि पेशों में 1.5 लाख उपभोक्ता बिजली बिल नहीं जमा किए हैं। 1 जुलाई से बिजली कनेक्शन काटो अभियान चलेगा। बड़ी खबर, पहली बार ग्रेजुएट एग्जाम में नकल रोकने के लिए सभी केंद्रों पर लगेंगे जेमर, छात्रों को घर पर छोड़कर आनी होगी ये चीज। जी हां, BRA बिहार विश्वविद्यालय के स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा को लेकर केंद्रों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। मुजफ्फरपुर सहित 5 जिलों के परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए जेमर लगाए जाएंगे। विश्वविद्यालय की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। ऑब्जेक्टिव सवालों के आधार पर परीक्षा लिए जाने के फैसले के बाद गोपनीयता के मुद्दे पर एकेडमिक काउंसलिंग व सिंडिकेट की बैठक में बात आई थी। विश्वविद्यालय की ओर से तय किया गया कि सभी केंद्रों पर जेमर लगाए जाएंगे ताकि परीक्षा में मोबाइल आदि का उपयोग ना हो सके। विश्वविद्यालय की परीक्षा में पहली बार जेमर की व्यवस्था की जा रही है। परीक्षा के लिए 5 जिलों में 35 केंद्र होंगे। इसमें मुजफ्फरपुर पूर्वी व पश्चिम चंपारण वैशाली सीतामढ़ी के परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था की जाएगी। बड़ी खबर, बिहार में 5 इंजीनियरिंग कॉलेज का हुआ उद्घाटन। मंत्री सुमित कुमार ने बताया राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के साथ होगी पढ़ाई। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को वर्चुअल तरीके से 5 इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस का उद्घाटन किया। 446 करोड़ रुपए की लागत से इन सभी 5 इंजीनियरिंग कॉलेजों का निर्माण किया गया है। बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री सुमित कुमार ने कहा कि इंजीनियरिंग के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के साथ पढ़ाई करेंगे। उन्होंने कहा कि कई और अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में छात्रावास निर्माण और अरवल पॉलिटेक्निक संस्थान के लिए भवन निर्माण की आधारशिला रखी गई है। बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री सुमित कुमार ने बताया कि किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज अभियंत्रण महाविद्यालय कैंपस का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया।
अगली बड़ी खबर है, पटना की सड़कों और नालों में गोबर फेंकना पड़ेगा महंगा, लगेगा इतना जुर्माना। जी हाँ, मवेशी पालकों द्वारा गोबर को सड़क पर या नाला में फेंकने पर 500 रुपया जुर्माना लगेगा। निगम की ओर से इसे सख्ती से लागू करने की तैयारी है। इसे लेकर 25 जून को निगम सशक्त स्थायी समिति की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा अन्य 10 प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। बैठक में निगम क्षेत्र में कचरा प्रबंधन के तहत मवेशी पालकों के द्वारा गोबर को अन्यत्र फेंकने के वाले के खिलाफ जुर्माना लगाने का निर्णय लिया जाना है। बड़ी खबर, बिहार में खोलिए प्रदूषण जांच केंद्र, सरकार करेगी 3 लाख तक की आर्थिक मदद। जी हां, सभी प्रखंडों में प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए राज्य सरकार अब सहायता राशि लोगों को देगी। परिवहन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है, जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष ले जाया जाएगा। राज्य में अब तक प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए राज्य सरकार की ओर से लोगों को कोई सहायता राशि नहीं दी जाती थी, लेकिन अब इसके लिए सहयोग राशि का प्रावधान किया गया है, जिसका लाभ लोगों को मिलेगा और सभी प्रखंडों में आसानी से केंद्र खुल पाएंगे। आपको बता दें कि राज्य के 534 प्रखंडों में से 157 प्रखंडों में प्रदूषण जांच में सुविधा नहीं है। मात्र 387 प्रखंडों में ही 1000 से अधिक प्रदूषण केंद्र खुले हुए हैं। जिन प्रखंडों में प्रदूषण जांचने का केंद्र नहीं खुल सका है, वहां के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। खबर, बिहार पुलिस में IMC का होगा गठन, 1 SP और 7 DSP समेत 69 लोगों की टीम आपराधिक मामलों की जांच पर रखेगी नजर। जी हां, बिहार पुलिस में आपराधिक मामलों की जांच की निगरानी को लेकर एक नई टीम का गठन होने जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल यानी कि IMC के रूप में CID के नए सेल का गठन होने जा रहा है। यह 69 लोगों की एक बड़ी टीम होगी जो आपराधिक मामलों के इन्वेस्टिगेशन और अपराधियों को जल्द सजा दिलाने की निगरानी करेगी। मंगलवार को बिहार के नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 5 एजेंडों पर मुहर लगी है। मंत्री परिषद की बैठक में बिहार पुलिस में इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल के गठन को लेकर स्वीकृति दी गई है। राज्य मुख्यालय स्तर पर 1 SP, 7 DSP, 13 इंस्पेक्टर, 8 SI और 11 सिपाही पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई है। इनके अलावा 21 कंप्यूटर ऑपरेटर और 8 चालक सिपाही का भी पद सृजित किया जाएगा। बड़ी खबर, वायु प्रदूषण कम करने को नए पाथवे पर चलेगा बिहार, 2 उपायों पर 2040 तक के लिए योजना बनी। जी हां, कार्बन उत्सर्जन कम करने को बिहार नए पाथवे पर चलेगा। बिहार देश में पहला पाथवे वाला प्रदेश होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोजेक्ट और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के बीच 2 बैठकें हो चुकी है और समझौता पत्र तैयार हो चुका है। इसका निर्माण UNEP के निर्देश पर होगा। इस प्रोजेक्ट पर 2040 तक का काम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ साथ उसके अवशोषण के उपाय भी किए जाएंगे। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक घोष कहते हैं कि दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन वातावरण का तापमान बढ़ा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या गंभीर होती जा रही है। ऐसे में कार्बन उत्सर्जन रोकना बहुत जरूरी है। कार्बन पाथवे उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। आपको बता दें कि कार्बन पाथवे एक ऐसा क्षेत्र है जहां कार्बन के उत्सर्जन एवं अवशोषण में संतुलन बना रहता है। सामान्यतः स्वच्छ हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होनी चाहिए। इससे ज्यादा मात्रा होगी तो वायु को प्रदूषित माना जाएगा। राज्य में कार्बन का उत्सर्जन बढ़ रहा है तो उसके अवशोषण के भी उपाय किए जाएंगे। बड़ी खबर, भारत को जल्द मिलेगी एक और स्वदेशी वैक्सीन, पटना एम्स में कार्बोवैक्स का तीसरे चरण का परीक्षण शुरू। जी हां, जापानी इंसेफलाइटिस वैक्सीन और टिटनेस के लिए एंटी सीरम तैयार करने वाली हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई कोविड वैक्सीन कार्बोवैक्स का तीसरे चरण का परीक्षण पटना एम्स में शुरू हो गया है। 100 लोगों पर इसका परीक्षण किया जाएगा। इस वैक्सीन के भी 2 डोज होंगे, यह जानकारी एम्स के निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह ने मंगलवार को दी है। बताते चले कि यह कंपनी पहले ही जॉनसन एंड जॉनसन समेत वैक्सीन बनाने वाले 4 कंपनियों के साथ काम कर रही थी। इस स्वदेशी कंपनी को भारत सरकार के सहयोग के साथ जैव प्रौद्योगिकी विभाग से 100 करोड़ की वित्तीय सहायता व अन्य तकनीकी सहयोग भी मुहैया कराए जा रहे हैं।
बड़ी खबर, बिहार के 27 जिलों में पेट्रोल की कीमत ने लगाया शतक। इस जिले में सबसे ज्यादा दाम। जी हां, देश भर में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं। खासकर समाज के मध्यम आय वर्ग के लोगों को पेट्रोल और डीजल की रोजाना बढ़ रही कीमतों की वजह से काफी परेशानी हो रही है, उनके जेब पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। बिहार की बात करें तो यहाँ 27 जिलों में पेट्रोल की कीमतों ने शतक लगाया है। इन जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो गई है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में मंगलवार को राज्य भर में सबसे ज्यादा 101.93 रुपए पर पेट्रोल बिकी है। इसके अलावा राज्य के अन्य जिले जिसमें पेट्रोल का दाम 100 रुपए के पार चला गया, उनमें सीतामढ़ी, बेतिया, बांका, कैमूर, भागलपुर, मोतिहारी, लखीसराय, सुपौल, मुंगेर, बक्सर, जमुई, किशनगंज, अररिया, सासाराम, कटिहार, पूर्णिया, गोपालगंज, शेखपुरा, मधेपुरा, सहरसा, गया, नवादा, आरा, सिवान, दरभंगा, छपरा और मुजफ्फरपुर शामिल है। आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन से जिले में रहते हैं, और साथ ही हमें नीचे पेट्रोल की कीमत के बारे में जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर, बिहार में अगले 2 दिनों तक नहीं बदलेगा मौसम। बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद सहित 7 जिलों में 48 घंटे तक विशेष अलर्ट। मधुबनी, दरभंगा, सारण और मुजफ्फरपुर में हल्की बारिश के आसार। जी हां, बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। आने वाले 2 दिनों तक मौसम का मिजाज बदलने वाला नहीं है। इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। राज्य के 7 जिलों बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल में 24 से 48 घंटे में बारिश का विशेष अलर्ट है। वहीं मधुबनी, दरभंगा, सारण और मुजफ्फरपुर के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की आसार है। पटना, भोजपुर, पश्चिम चंपारण, वैशाली, पूर्वी चंपारण में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में सामान्य अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे, मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली का खतरा होगा। दक्षिणी पूर्व बिहार के कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया में 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ आकाशीय बिजली की संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगली बड़ी खबर, पटना में एक बार फिर बड़ा कोरोना का ग्राफ, मिले 71 संक्रमित। जी हां, पटना में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ने लगा है। बुधवार को पटना में 71 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 1 की मौत हो गई है। पिछले 3 दिनों से लगातार कोरोना के ग्राफ में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है। इससे पहले मंगलवार को 55 जबकि रविवार को 27 नए संक्रमित मिले थे। आपको बता दें कि अनलॉक होने के बाद एक दिन छोड़कर पिछले 10 दिनों से लगातार कोरोना संक्रमित की संख्या 30 से 50 के बीच रही थी। सक्रिय संक्रमितों की संख्या में भी पिछले 1 सप्ताह से पहली बार 40 की बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को मिले नए संक्रमितों में ज्यादातर कंकड़ बाग, शास्त्री नगर, बोरिंग रोड, एसकेपुरी, फुलवारी, दानापुर इलाके में मिले हैं। इन्हीं इलाकों में सक्रिय मरीजों की संख्या भी ज्यादा है। ये ऐसे इलाके हैं जो दूसरी लहर के दौरान भी सर्वाधिक संवेदनशील थे। खबर, बिहार में शुक्रवार से लगेगा स्पुतनिक का टीका। पटना के मेदांता अस्पताल में सरकार द्वारा तय दर पर वैक्सीनेशन। जी हां, बिहार में पटना में भी अब कोरोना से बचाव के लिए लोग रूसी टीका स्पुतनिक का डोज ले सकेंगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत पटना के नवनिर्मित जय प्रभा मेदांता अस्पताल से होगी। शुक्रवार से मेदांता के कर्मी और आम लोग भी यह टीका ले सकेंगे। मेदांता के एसोसिएशन डायरेक्टर डॉक्टर रविशंकर सिंह ने बताया कि स्पुतनिक टीका लगाने की सभी आवश्यक तैयारी अस्पताल में कर ली गई है। आपको बता दें कि टीका आज यानी गुरुवार की सुबह तक पहुंच जाएगा। इसके बाद लोगों के लिए टीका उपलब्ध हो सकेगा। स्पुतनिक टीके की सप्लाई सीधे कॉरपोरेट अस्पतालों को ही की जा रही है। मेदांता के अलावा बिग अपोलो में भी लोगों के लिए टीका जल्दी उपलब्ध होगा। इसी के साथ ही आज की बड़ी खबरों में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।